नमस्कार दोस्तों, प्रगति कृषि के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बज्जय सिन्हा और आज हम लोग अपने जो गांव के जो बगल में जो नदी है हम वहाँ पे आए हुए हैं और समय है शाम के लगभग 6 बजे है, 6:15 अभी टाइम हो रहा है। और कुछ सोचे कि जो लॉकडाउन का पार्ट 2 है उसका फर्स्ट दिन है आज, हम लोगों ने सोचा कुछ एक्साइटिंग करते हैं क्योंकि बहुत ही बोरिंग सा जिंदगी हो गया था, जी रहे थे जिंदगी। तो अब क्योंकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे गमछा भी लिए हुए हैं, ठीक है। तो कभी कोई दूसरा पर्सन यदि कोई आते हैं तो हम अपने मुंह को इस गमछे से इस तरीके से जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है ऐसे करके ढक देते हैं, ठीक है। तो चलिए चलिए देखिए इधर इतना जंगल, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। हम आपको दिखा देना चाहते हैं नदी में पानी तो खैर बहुत ही कम है अभी, लेकिन जब बाढ़ आती है तो काफी ज्यादा इसमें पानी होता है और बहुत सारे गांव के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और देख सकते हैं आप वहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो मछली पकड़ रहे हैं, उधर देखिए है ना, तो यहाँ से मछली भी अपना जो जीविका का साधन है। लॉकडाउन में ऐसे भी सामग्री का दिक्कत है। शाम का समय काफी ही बढ़िया लग रहा है, जो हवा जो पूरब की ओर से जो चल रही है काफी आनंददायी है, बिल्कुल से ठंडा अभी लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये जो खेत है, देखिए इसमें गेहूं लगा हुआ था, ठीक है, तो उसकी कटाई हो चुकी है। और यहाँ पे जैसा कि प्रधानमंत्री के भाषण में आपने सुना भी होगा कि अभी रवि फसल है उसकी कटाई के लिए कुछ ऐसे विशेष तरीके से छूट भी देने का प्रावधान किया जा रहा है, वो 20 अप्रैल से कुछ सोचा जाएगा। तो चूंकि अभी हम लोग के यहाँ तो खैर कटाई गांव में है तो अभी सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कटाई कर चुके हैं। सब देखिए उस तरफ काफी ज्यादा घना वृक्ष है और उस तरफ बगल में एक गांव है, और ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो नदी का पानी जो तो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, यहाँ पे पानी ऐसे जो बरसात होता है काफी ज्यादा पानी होता है और यहाँ पे हम लोग बचपन में काफी ज्यादा मस्ती किया करते थे। अभी तो खैर स्नान बहुत दिन हो गया नदी में स्नान किए हुए, लेकिन बचपन में इधर काफी सारा पेड़ रहा करता था और उस पर से हम बिल्कुल से बीच के जो धारा है उसमें कूद करके स्नान करते थे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे जो नदी है हम लोग का उसको उसका एक जगह है वहाँ उसको बोलते हैं चंदन घाट, ठीक है। तो हम लोग अब वहीं पे पहुंच गए हैं, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर बस, तब तक के लिए आप इस व्यू को देखिए कितना अच्छा अब प्रकृति है जो हो गई है। और लॉकडाउन की वजह से आप देख सकते हैं कि विश्व का जो पर्यावरण है वो काफी सुधार भी रहा है, हवा का जो क्वालिटी है AQI जो इंडेक्स है वो काफी अच्छा हो रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, न्यूयॉर्क हो या कहीं का भी हो, बहुत ही अच्छा हो रहा है। नदियों का जो जल है वो भी साफ हो रहा है। तो कोरोना वायरस के वजह से कुछ न कुछ अच्छा भी हो रहा है, एक बुरा पक्ष भी है और एक अच्छा पक्ष भी है। देखिए यही वो जगह है जहाँ पे कभी भी कितना भी सूखा क्यों ना आ जाए लेकिन यहाँ पे का जो पानी है वो कभी भी नहीं सूखता है, काफी डीप है यहाँ पे। वैसे भी इसका जल काफी ही स्वच्छ हो गया है जहाँ तक हमें पता है, काफी इसका जल स्वच्छ हो चुका है। और हम लोग बचपन में तो काफी यहाँ पे स्नान करते थे, एकदम दूर दूर तक यहाँ से वहां तक तैर तैर के जाते थे, काफी अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे हैं,
ऊपर नदी का जो किनारा है हम लोग अब जा रहे हैं आगे की तरफ धीरे धीरे। ठीक है, तो अब काफी समय हो चुका है, तो आप काफी देख सकते हैं आप रोशनी की भी कमी है, सूरज भी अस्त हो चुका है और अब हम इस वीडियो को काफी लंबा हो चुका है चूंकि, तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यूं ही ऐसे ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रगति कैरियर शूट, उसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।